नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की परिस्थिति है क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज थी। लेकिन इस लॉकडाउन के हमारे समाज के ऊपर जो है वो हो सकता है कि कई प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूंगा, एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि हर ह्यूमन बीइंग के लिए एक सकारात्मक पहलू है, और वह है हमारा वातावरण, हमारी एयर, हमारा इन्वायरमेंट। और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इतना जबरदस्त असर इसका देखने को मिल रहा है कि ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। चारों तरफ एक चर्चा का विषय है कि इस लॉकडाउन में हवा साफ होगी, पानी साफ हो गया, नदियां साफ होगी, एयर पोल्यूशन कम हो गया। और नॉर्थ इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जैसे जलंधर है कि वहां से हिमालय की जो पहाड़ियां वो साफ दिख रही हैं। हमारे वातावरण में कुछ ऐसे नकारात्मक घटक बढ़ जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उन्हीं में से आज मैं इस वीडियो में दो के बारे में चर्चा करूंगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM2.5 की। सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर है हमारे वातावरण में बढ़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका लेवल 200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साथियों ये इससे ज़्यादा होता है तो हमें कई प्रकार की सांस की प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, लंग्स कैंसर है और TB है, इस तरह के रोग हमें शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे PM2.5 की, पर्टिकुलर मैटर 2.5, जिसे हम फाइन पार्टिकल भी कहते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बढ़ने से पूरी दुनिया में लगभग हर वर्ष 4 से 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमारे ही देश से लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु इसकी वजह से होती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार PM2.5 की जो मात्रा है वो 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली ऐसे शहरों में इसकी जो मात्रा है वो 91 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी देखेंगे आप कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो इसका स्तर कितना नीचे आ चुका है। आप इंडिया में देखें जो ये पीला पीला पार्ट दिख रहा है, ये सारा PM2.5 को इंडिकेट कर रहा है। और अब देखें आप कि कितना कम हो चुका है। आप दिल्ली में जो इसकी मात्रा है वो 26 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर अंकी जा रही है। अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है WHO के रिपोर्ट के अनुसार 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली ऐसे शहरों में 161 तक पहुंच चुका है था। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से ये 97 तक आ चुका है और धीरे धीरे हर रोज ये डाउनफॉल में जा रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हैं तो इसका असर नदियों में भी देखने को मिल रहा है। नदियों का पानी साफ हो गया। दिल्ली से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी इतना साफ हो गया है कि लोग यहां तक कह रहे हैं कि उसको आप पी भी सकते हैं। गंगा का पानी साफ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पोल्यूशन चाहे हवा में था या पानी में था, इसके लिए हम इंसान लोग ही जिम्मेवार थे। साथियों हमें इस लॉजिक को समझना पड़ेगा, इस बात को फील करना पड़ेगा, इस बात को हमें एहसास करना पड़ेगा कि हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। आज की परिस्थितियों को देखते हुए
हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए व्यक्तिगत तौर के ऊपर जो हमारी प्रकृति को प्रभावित करता है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही है। आज सरकारों को भी फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ने की जरूरत है। ऐसी ऐसे चीजों को करने की जरूरत है जिनसे पोल्यूशन ना फैले, पोल्यूशन कम फैले और हमारी जो प्रकृति है वो कम इफेक्ट हो। हमें जंगलों को जलाने से बचना चाहिए, हमें किसी भी तरह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको जलाने से बचना चाहिए। अभी देखिए आप पंजाब के अंदर लोग जब परालियां जलाते हैं तो कितना धुआं, कितना पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। तो साथियों अंत में यही कहूंगा कि वातावरण जो है ये एक बहुत ही नेसेसिटी है हमारे जीवन के लिए, हमें इसे भी फील करने की जरूरत है। जिस तरह से आज कोरोना वायरस के प्रति पूरी दुनिया सीरियस है, हर व्यक्ति हर घर से सीरियस है, इतनी ही सीरियसनेस आने वाले समय में हमें इन्वायरमेंट के प्रति भी दिखानी पड़ेगी। और जब हम इतने ही सीरियस तरीके के साथ अपने इन्वायरमेंट से प्यार करेंगे और खुद को इन्वायरमेंट के अनुरूप व्यवस्थित करेंगे तो इन्वायरमेंट हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। और इन्वायरमेंट जितना शुद्ध होगा उतने ही प्री मेच्योर डेथ के जो केस हैं वो उतने ही कम हो जाएंगे, लोगों को दीर्घायु जीने का मौका मिलेगा और हम एक स्वस्थ एटमॉस्फेयर में जीने की जो अनुभूति है उसका एहसास कर पाएंगे। तो इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद।